Very good morning to all of you this is the second part of the chapter french revolution let's recall what we studied previously we talked about the french society which was divided into three estates first belongs to the clergy which has only 1% of the total population secondly it, it is of the nobility which has only 2% of the total population and then came the third estate which belongs to the rest of the citizens which has 97% of the total population and we know first and second estate belongs to the group which was not paying any sort of taxes whereas the third estate is the one who is considered as the taxpayer then we have seen gradually by the end that another group emerged from the third third estate itself which was called the middle class or you can say the educated people who belongs to this class so we have seen that with the help of uh, the philosophers they helped the people to get enlightened to understand the wrong the inequality which was prevailing in the french society so now we have to see what all is going to happen in the country what will king do what will the people do how this revolt came म uh, in existence how this outbreak came, right? so we have हैव uh, हमने ending की थी पिछली video की इस बात से कि जहाँ एक तरफ हमने देखा फ्रेंच society जो है वो एनलाइट हो रही है लोगों को समझ में आ रहा है लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो रहा है उनको समझ में आ रहा आ गया कि किंग किस तरीके से उनको पागल बना रहा है या क्या गलत हो रहा है उनके साथ और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि जो किंग है वो अपनी खाली तजोरी को देख के

Which ज ई स्टेट जर्नल दिस मीटिंग हेल्ड ऑन फिफ्थ में सेवेंटीन एटी नाइन अब ये मीटिंग क्यों बुलाई गई और ये लास्ट कब बुलाई गई है बाद सीधा अब All three states were represented. King called it because अब इसका रीजन हमें समझना जरूरी है प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस साइड ऑफ द नोट लुइस सिक्सटीन लुइस सिक्सटीन हम जानते हैं ही प्लान टू इम्पोज द टैक्सिस बट ही कैन नाट इम्पोज विद आउट द मीटिंग क्यों क्योंकि ये एक तरीके का प्रोटोकॉल था फ्रांस में जहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है फॉर द मासज उस समय किंग को एक मीटिंग बुलानी पड़ती है जिसमें तीनों ही स्टेट्स के लोग शामिल होते हैं सो दैट इज वाई ईस्टे जर्नल वॉज कॉल मीन्स किंग की इच्छा नहीं थी बट दिस वॉज एक तरीके से हम बोल सकते हैं किंग की मजबूरी रही कि उनको ये मीटिंग बुलानी पड़े फाइन नाउ वॉट हैपन इन दिस मीटिंग प्रपोजल फॉर न्यू टेक्सिस वॉज सेटअप अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन लोग आए थे अराउंड थ्री हंड्रेड रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट्स वॉज देअर मीन्स तीन सौ लोग फर्स्ट ई स्टेट से एंड तीन सौ लोग सेकेंड इस्टेट से शामिल थे जबकि अलोन फ्रॉम थर्ड ई स्टेट देयर सिक्स हंड्रेड रिप्रेजेंटेटिव सीधा ही डबल सिक्स हंड्रेड रिप्रेजेंटेटिव वर देयर इन द मीटिंग और ये सिक्स हंड्रेड रिप्रजेंटेटिव जो थे वो कौन लोग थे सॉरी थर्ड ई स्टेट के मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे मीन्स एजुकेटेड ग्रुप था क्योंकि लोअर स्टेटा थर्ड स्टेट के लोअर स्टेटा को तो अलाउड ही नहीं था इन मीटिंग्स में आना वेमेंस वर नॉट अलाउड चिल्ड्रेंस वर नॉट अलाउड पुअर्स वर नॉट अलाउड सो ओनली एजुकेटेड पीपल व देयर फ्रॉम द थर्ड स्टेट बट वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट अब ये समझो अगर तीन स्टेट हैं हमारे पास और तीनों को वन वन वोट की ही अनुमति है सो यू नो दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट तो डेफिनेटली वो किंग के सपोर्ट में ही आंसर देंगे सो मेजोरिटी होते ही दे विल विन बट अगर ये फॉर्मूला ना अपना के हम पर पर्सन को चांस देते तो इट वॉज डेफिनेटली विन फॉर थर्ड ई स्टेट सो दैट इज़ वाई द कॉन्सेप्ट फॉर ईच ई स्टेट हैड वन वोट इज बीन टेकन यहाँ पे बात आती है द फिलोसोफर रूसो की जो बुक लिखी गई थी द सोशल स्ट्रेटा जिसमें ये क्लियरली मैंशन था दैट वन पर्सन एंड वन सेक्शन ऑफ द ग्रुप शुड नॉट हैव द कम्पलीट पावर्स मीन इक्वल राइट शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच वन ऑफ द मेम्बर प्रेजेंटेड फॉर द मीटिंग्स फाइन ना लेट सी वॉट वर द डिमांड्स सो ये सब देखने के बाद जो थर्ड ई स्टेट है उनको बहुत गुस्सा आया नाउ दे वर वेरी मच एंग्री फ्रॉम द किंग दैट ठीक है जो भी आगे आपको कंक्लूजन रखना है या जो भी आपको प्रपोजल रखना है वो तो सेकेंडरी इशू है द फर्स्ट थिंग इज गिव आज द वोटिंग राइट क्योंकि उनके पास अभी तक प्रॉपर वोटिंग राइट्स भी नहीं थे वर डिस्क्रिमिनेटेड राइट सो दैट इज वाई द फॉर द डिमांड कैप्ट बाय द प्रपोजल कैप्ट बाय द थर्ड इस्टेट वॉज फॉर द इक्वल वोटिंग बट दिस वोटिंग राइट्स व रिजेक्टेड बाय द किंग यह सबसे बड़ी गलती थी किंग की क्योंकि उन्होंने उसी वक्त इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था एंड बिकॉज ऑफ दट जो थर्ड स्टेट है दे वॉक्ड अवे लिविंग द मीटिंग डिसमिसिंग द मीटिंग दे वॉक्ड अवे फ्राम द मीटिंग एंड दे रीच टू अ सर्टन प्लेस हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे दे रीच टू अटेन प्लेस वेयर दे फॉर्म द नैशनल असेंबली फाइन ना यू कैन सी दैट दे ड्राफ्टिड और नेशनल असेंबली ने क्या किया नेशनल असेंबली क्या हुई नेशनल असम्बली एक वॉल्ट्रियली फॉर्म्ड ग्रुप है जो थर्ड इस्टेट के एजुकेटेड क्लास के लोगों ने बनाया है ना वॉट दे डेड दे ड्राफ्टिड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री ना हू सपोर्टेड दैम इन नेशनल असेंबली को सपोर्ट किया मेरा ब्यो एंड एबिसरस ने अब ये दोनों कौन है mirabu is one of the person who belongs to the noble society second estate but he was very much uh, seeing and observing each and everything and he he was in support of the third estate that yes something wrong is going on with them why only they are paying whole taxes in the country and they are deprived of all the privileges so that is why he supported this uh, National Assembly. Similarly, Abyssalis uh, uh, is one of the priests who uh, supported and uh, who guided this National Assembly. The, these, uh, these both, um, Mirabeau and Abyssalis, they lead the procession to the uh, formation for the new constitution. Even Abyssalis wrote a book about, uh, not a book, a pamphlet. He wrote a pamphlet named as what is third estate and where he appreciated the third estate he wrote about what is exactly the third estate now let's see what exactly what was going on in the society what was the reaction of the people who supported the new constitution what was the reaction of the king at that time we will see in the further lectures so i hope नाउ यू आर क्लियर वॉट एक्जैक्टली है मीटिंग वहाँ पे तीनों ई के लोग पहुँचे। किंग ने अपनी बात आगे रखी बट क्योंकि वोटिंग राइट्स इक्वली प्रोवाइडेड नहीं था जिसकी वजह से मीटिंग वहीं पे ही कैंसिल आउट हो गई एंड गुस्से में थर्ड ई स्टेट दे वॉकड अवे अब ये लोग गए कहाँ थे दे रीच टू द टेनिस कोर्ट एट वर्सलिस एंड टेनिस कोर्ट में जाके क्या किया खेला नहीं वहाँ पे वो टेनिस खेलने नहीं गए थे दे वेंट ओवर देयर एंड एट दैट प्लेस दे टुक द प्लेज दैट दे विल नॉट गिव अप अंटिल दे क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री सो देयर दे फॉर्म द नेशनल असेंबली दे ड्राफ्टेड द सारा काम धाम छोड़ के दे कैप्ट प्रोटेटिंग अगेंस्ट द किंग दे ड्राफ्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री फाइन And now in the next video, we will see that what happened after the formation of the constitution, after the formation of the National Assembly. government What will be the situation in the country? Kon What will Harega. We will see to that into the next lecture. Read the chapter properly, read the topic again. Thank you so much.